नगरपालिका अमले ने ओमकार ट्रेडर्स रिलायंस पंप के पास एबी रोड गुना पर ओमकार ट्रेडर्स पर छापा मारकर 9 किलोग्राम और 500 ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 11,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। इस दौरान बूढ़े बालाजी हरिपुर रोड पर और तखतपुरा पर किराना दुकानों पर भी छापे डाले गए। इस दौरान दुकानों पर मिली पॉलिथीन पर 500 और 1,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विगत 2.5 माह से पॉलिथीन जब्ती और चालानी कार्रवाई सतत जारी है। इसके तहत गुना नगर पालिका ने अभी तक 95 किलो पॉलिथीन जब्त कर 1,10,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की है। ये रखने के लिए दूसरा जी लिफाफे भी हैं। मैंने आपकी सारी बातें मान ली, ठीक है? लिफाफे तो वो हम सब बातें आपकी मैंने मान ली, तो चेक कर सकते। पर आपने यूज क्यों हो रहा है और निकाल लो पड़ा नहीं, इसलिए आप 11,000 रुपये स्पॉट पाएंगे। मैं कम से कम नहीं करता, अगर इस पर ज़्यादा है ₹50,000 का जुर्माना। आज एवी रोड पर ओमकार ट्रेडर्स पर कार्रवाई की। कल हमने उमरी रोड नानाखेड़ी में जो कार्रवाई की थी उसमें जो किराने की दुकान पर चालान बनाए तो उसमें वहाँ हमें मालूम चला कि ये जो पॉलीथीन लेके आ रहे हैं दुकानदार लोग, ये ओमकार ट्रेडर्स से लेके आ रहे हैं। तो आज जब ओमकार ट्रेडर्स पर कार्रवाई करने गए उसके पहले हमने रेकी की और रेकी करने के बाद में वहाँ हमने छापामार कार्रवाई की तो ओमकार ट्रेडर्स से हमें 9 किलो 500 ग्राम पॉलीथीन जब्त की गई और उसमें 11,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। और सर अभी तक आपने कितनी चालानी कार्रवाई कर चुके हैं, करीबन कितनी पॉलीथीन पकड़ चुके हैं? अभी तक लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच में हम 1,10,000 रुपये की चालानी कार्रवाई कर चुके हैं और लगभग 90-95 किलो पॉलीथीन जब्त कर चुके हैं। इसमें सर आगे भी आपका क्या रहेगा? ये तो सतत कार्रवाई है और निरंतर चलती रहेगी, पर डे ये कार्रवाई चलेगी। आज किराने की दुकान पर हैं, कल कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी हैं उनके पास जाएंगे, सभी लोगों पे कार्रवाई चलेगी। एक सोच है कि गुना जो है इसमें प्रशासन पूरी तरह से साथ में है, नगर पालिका प्रशासन के और कलेक्टर साहब का निर्देश है, पूरा मार्गदर्शन है। अब गुना को पॉलीथीन मुक्त करना है।